मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और आप में से कई सारे भक्त जो पूछ रहे थे भैया गोवर्धन में परिक्रमा लग रही है या नहीं, तो हम बस यही देखने के लिए श्रीधाम गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में है, यानी हम गोवर्धन आए थे, हमको तो पता है परिक्रमा लग रही है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए आए गोवर्धन की परिक्रमा में। और ये देखिए हम इस समय राधा कुंड पर, और आप देखेंगे भक्तजन जो है यहाँ पर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। इस समय चल रहा है पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में परिक्रमा का बड़ा विशेष महत्व है। तो हमने सभी जगह दर्शन किया, मानसी गंगा मंदिर में, मुखारबिंद में, जतिपुरा में, और फिर अभी एकदम से ध्यान आया कि आपको बताने के लिए हमने वीडियो तो रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो इसलिए हमने राधा कुंड पर आके अपना आपके लिए ये वीडियो, ताकि आप देख सकें और आप दर्शन कर सकें। तो अभी हम आपको राधा कुंड में भी आगे जाके आपको राधा कुंड के भी दर्शन करा देंगे, एंड उसके बाद फिर परिक्रमा मार्ग के दर्शन, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि हाँ जी गोवर्धन की परिक्रमा लग रही है, आप गोवर्धन महाराज परिक्रमा करने के लिए आ सकते हैं। तो हम आ गए राधा कुंड परिक्रमा के बाहर, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वृंदावन। तो हमने आपको बता दिया कि गोवर्धन की परिक्रमा लग रही है, आप आए और श्रीधाम श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करें। अधिक का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास महीना चल रहा है, आप आवे परिक्रमा करें। जय जय श्री राधे। देखिए सामने लिखा हुआ है कुसुम सरोवर नारद कुंड बस स्टैंड मानसी गंगा, गैया मैया तेरी जय हो। अब हम चले यहाँ से वृंदावन की ओर। राधे गुरु आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में, मिलते हैं आपसे श्रीधाम वृंदावन में। जय जय श्री राधे। चलो